समय का खेल भी क्या निराला है, भरी जेब ने दुनिया से पहचान करा देती है और खाली जेब हो तो इंसानों से पहचान करा देती है। लोग कहते हैं वक्त बुरा चल रहा है, लोग कहते हैं वक्त बुरा चल रहा है, किस्मत ही खराब है। अरे जनाब, कभी अपने कर्मों पर भी नज़र डालो, कब तक यूँ वक्त और किस्मत को कोसते रहोगे, अपने कर्म तो सही करो। लोग अक्सर ये सोच सोच रोते और दुखी होते रहते हैं कि वे साथ छोड़ गया और छोड़ गए सब धोखेबाज है। तो जनाब ऐसा है, गलती आपकी है जो उम्मीद लगा बैठते हो, और जब ये उम्मीद टूटती है तो बहुत दुख होता है। फिर आप खुद का दोष देखने की बजाय दूसरों का देखते हो और दूसरों पर अपना दोष थोप देते हो। और रही बात साथ देने की, तो मेरे दोस्तों, तुम लोगों की बात करते हो, यहाँ तो अक्सर खुद की परछाई भी अंधेरे में साथ छोड़ देती है और मरने के बाद अपनी ही आत्मा शरीर का साथ छोड़ कर भाग जाती है। ये तो फिर भी इंसान है। सामने वाले के लिए आपकी ज़रूरत कितनी अधिक होगी, वो आपसे उतने ही अच्छे लहजे में बात करेगा। ज़रूरतों के हिसाब से लोगों के बात करने का तरीका भी बदल जाता है दोस्तों। यूँ तो ज़िंदगी मुश्किलों से भरी है, कब तक ज़िंदगी को कोसते रहोगे, एक बार खुद मजबूत बन कर तो देखो, यकीनन ज़िंदगी खुद आसान लगने लगेगी। यूँ तो समस्या ज़िंदगी में हर किसी के लिए हर दिन खड़ी है, पर जीतता वही है जिसकी सोच बड़ी है। कभी किसी चीज़ का घमंड आए तो पहली ही फुर्सत से एक चक्कर शमशान का लगा आना। तुमसे भी बेहतरीन लोग यहाँ राख बने मिलेंगे। दीवार पर लगी हर ईंट यही सोच रही है होती है कि मकान उसके दम पर खड़ा है। ये ओ जालिम जमाना है जनाब, जहाँ लोग टूटते हुए घरों की ईंट तक उखाड़ ले जाते हैं। छत को छत होने का बड़ा घमंड था, एक मंजिल और क्या बनी, छत जमीन हो गई। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो दुख की पीड़ा बन जाती है। इसीलिए दोस्तों, कभी ज़्यादा भरोसा किसी पर मत करना, अन्यथा वही लोग हमेशा दुख पहुंचाते हैं। जीवन में कुछ भी रखना, लेकिन किसी दूसरे से उम्मीद मत रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं उम्मीदों के टूटने से होता है जहाँ सबसे ज़्यादा उम्मीद रखा जाता है। अपने ही शरीर को एक साथ चार कंधों का सहारा देखकर मुर्दों की आत्मा भी यह सोचकर रो उठी कि एक ही काफ़ी था, अगर जीते जी सहारा मिल होता तो। कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान, जो जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। इसीलिए तो श्री कृष्ण ने भी कहा है भागवत गीता में, अपना कर्म करो, फल की चिंता तुम मत करो, कर्म फल तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, यूँ आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल और
फिर से भाग, जीत संक्षिप्त है, कब मिल जाए इसका कोई सार नहीं है। वक्त तो रेत है, फिसलता ही जाएगा, जीवन एक कारवा है, चलता ही जाएगा। मिलेंगे कुछ खास इस रिश्ते के दरमियाँ, थाम लेना उन्हें वरना कोई लूट के ले जाएगा। मुझे परखने में पूरी ज़िंदगी लगा दी उसने, काश कुछ वक्त मुझे समझने में लगा देता। मुसाफिर कल भी था और आज भी हूँ, बस फर्क इतना है कल अपनों की तलाश में था और आज खुद की तलाश में हूँ। बिकती है ना खुशी ना कहीं गम बिकता है, लोग गलत फहमी में हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिंदा परिंदा है जो टूटी हुई उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों से ही जिंदा है। कोई हालात को नहीं समझ पाता तो कोई जज्बा को नहीं समझ पाता, ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज़ भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब भी नहीं समझ पाता। खोकट पाने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्तों, इसीलिए हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। खुशी जल्दी में थी रुकी नहीं, लेकिन गम बड़ी फुर्सत में थे इसीलिए रुक गए। ज़िंदगी के सफ़र में समय के साथ साथ लोगों की नज़रों में भी क्या बदलाव आया, पहले मुड़कर देखने थे अब देखकर मुड़ जाते हैं। एक दिन पूछ ही लिया परछाई से कि क्यों चलती हो हमेशा मेरे साथ, तो वह भी बोली हंसकर कि दूसरा है ही कौन तेरे साथ। किसी की आदत देखनी है तो इसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो, किसी की नियत देखनी है तो उसे कर्ज दो, किसी के गुण देखने हैं तो उसके साथ खाना खाओ, चारों का पता चल जाएगा। खुद को खुद रखने के तरीके खोजे, बाकी तकलीफें तो आपको खोज ही रही है। हमेशा दुख को इतना छोटा जरूर रखो कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और दिल तथा विचारों को इतना बड़ा रखिए कि जब आप खड़े हो तो कोई भी बैठा ना रहे, आपके साथ खड़ा हो जाए। गुस्से और नशे में बड़े फैसले कभी ना लेने चाहिए दोस्तों, क्योंकि गुस्सा आदमी के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है और नशा एक ऐसा चीज़ है जो आदमी को गलत राह पर धकेल कर ले जाता है दोस्तों। इसीलिए तो गुस्सा और नशा कभी भी नहीं करना चाहिए, अत्यधिक गुस्सा भी हानिकारक होता है। खोल ले पंख अपने, अभी उड़ान बाकी है, धरती नहीं मंजिल तेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। यदि जीवन में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दो। बिल्कुल दोस्तों, अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो दूसरों से उम्मीद रखना बंद करो, खुद पर खुद अपने आप उम्मीद रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, अपना कर्म खुद करो, फल खुद ब खुद मिल जाएगा। थक कर बैठा हूँ हार कर नहीं, बाजी हाथ से निकली है जिंदगी नहीं। जो लोग सदैव दूसरों में हजार अच्छाइयों को
छोड़ सिर्फ दो तीन कमियों पर ध्यान देते रहते हैं। अक्सर ऐसे लोग जीवन भर सच्चे प्यार के लिए तरस जाते हैं। बचपन में बार बार पूछा गया एक सवाल कि बड़े होकर क्या बनना है। जवाब आज मिला है कि फिर से बच्चा बनना है।